क्लासिफिकेशन ऑफ एगेनोडर्मेटा की बात की जाए तो पहली क्लास है इसकी एस्ट्रोडिया, इसकी बात करेंगे तो इसमें आती हैं सी स्टार्स या स्टारफिश। ये स्टारफिश का स्ट्रक्चर है, ये इसकी सेंट्रल डिस्क है, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताई है इसकी पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है, और ये इसकी 5 आर्म्स हैं और ईच आर्म में इक्वल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, हर आर्म में ऑल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। और इसके बाद इसकी आउटर सरफेस पे थिनी पेंसिल लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पेडिसिलेरिया। ये सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जो बॉडी को आउटर डस्ट वगैरह से क्लीन रखते हैं। और मोस्टली जो सी स्टार्स हैं वो प्रेडेटर्स हैं किसकी, बायविलाय स्नेल्स की और अदर्स स्लो मूविंग एनिमल्स की, जो सबस्ट्रेट के साथ या किसी चीज़ के साथ अटैच हुए होते हैं। उसके बाद सेकंड क्लास है क्लास ऑफ्यूरिडिया। ऑफ्यूरिडिया में क्या आती हैं, ब्रिटिश स्टार्स आती हैं। ये देखिए इनका स्ट्रक्चर भी स्टार लाइक सी स्टार लाइक है, बट जो इनकी आर्म्स हैं वो थोड़ी क्या है, थिन एंड लॉन्ग एंड थिन। और इसमें ये आर्म्स क्या करती हैं, बैटर मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और उसके बाद जो इनकी ऑर्गन्स हैं वो सेंट्रल डिस्क में प्रेजेंट होते हैं और 2 फीट जो है उस पर सकर्स प्रेजेंट नहीं होते, किसी सबसे इसके साथ अटैच होने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं प्रेजेंट होता। उसके बाद ये खाते किस चीज़ के हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स खाते हैं और स्मॉल एनिमल्स दे फीड ऑन द बॉटम। और उसके बाद फाइंड ऑन द बॉटम, जो बॉटम के अंदर स्मॉल एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनको खाते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को। और ये फूड भी पास कहाँ से करती है, 2 फूड से, नेक्स्ट 2 फूड और देन माउथ तक इंटर होती है। उसके बाद थर्ड क्लास है क्लास एकनोडिया की बात की जाए, एकनोडिया में क्या है, सी अर्चन्स आते हैं, सैंड डॉलर्स आते हैं। और इनका जो बॉडी फॉर्म या स्ट्रक्चर है वो राउंड होता है, ये देखे राउंड शेप है और इसके पास ऊपर बॉडी पे रिजिड मूवेबल स्पाइंस प्रेजेंट हैं जो इन्हें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, पेडिसिलियर्स प्रेजेंट है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर। और उसके बाद इनकी जो लोकोमोशन है वो इन्हीं स्पाइंस के थ्रू होती है। और ये देखिए स्पाइरल गोल स्ट्रक्चर है इनका। और नेक्स्ट है इनके माउथ की बात की जाए तो माउथ में इंट्राइकेट सिस्टम होता है, किसका, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जॉज एंड मसल्स है, मसल्स एंड जॉज प्रेजेंट होते हैं, ये माउथ और ये इधर मसल्स, ये मसल्स पार्ट प्रेजेंट है, जिनको हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रोट्राइल्स लेटरन। और उसके बाद ये मसल्स या जॉज का जो स्ट्रक्चर है माउथ का वो किस लिए यूज़ करते हैं, बाइट ऑफ करने के लिए एलजी और अदर फूड जो वो बॉटम से लेते हैं। और इसके बाद हार्ट अर्चिन एंड सैंड डॉलर्स की बात की जाए तो वो सी बॉटम में रहते हैं। और इसके बाद जो इनकी बॉडीज़ होती हैं वो बिल्कुल फ्लैट एंड सॉफ्ट स्पाइन इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये स्पाइन, ये अंदर से क्लियर स्ट्रक्चर है, ये इसकी 5 आर्म्स हैं, ये बिल्कुल फ्लैट बॉडी है इसकी, ये भी ये क्लियर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, 5 आर्म्स हैं इसकी, ये सेंट्रल डिस्क है और इसकी ये अंदर रेडियल कैनाल्स हैं, ये उससे भी प्योर स्ट्रक्चर है सैंडोलर का, ये सैंडोलर है इसकी। अब बात करें तो ये कहाँ पे, बीच पे जब लो टाइड्स होते हैं, कम लहरें होती हैं तो तब ये नज़र आते हैं सैंड पे पड़े हुए सी बीच पे। और इसके बाद ये फीड क्या करते हैं, थिनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स को खाएंगे, जो वेस्ट डिब्रीज वगैरह डिट्राइटस प्रेजेंट होते हैं उनको खाते हैं। और जो फूड आइटम्स होती हैं वो माउथ के थ्रू अंदर जाती हैं। और उसके बाद थाउजेंड थिनी स्पाइंस इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और मूविंग देम डाउन चैनल्स, जो इनकी फूड को चैनल्स के अंदर मूव करते हैं। और उसके बाद जब ये डेड होते हैं तो इनके जो स्पाइंस होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं और जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, ये देख वाइट खोखला सा स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर स्पाइंस नहीं प्रेजेंट। और उसके बाद जो इनका शेल है वो वाइट हो जाता है। और जो लाइव जिंदा स्पेसिमेंस होते हैं उनको एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, लाइक एंटीबायोटिक सब्सटेंस जो वो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, एकेनोक्रोम। और इसके बाद ये जो फिंगर्स का कलर होता है उसको भी येलो कर देते हैं, क्योंकि स्टेन से भी पता चल रहा है कलर चेंज करता है। और उसके बाद ये सी अर्चिन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये इसकी माउथ साइड प्रेजेंट है और ये 5 टूथ लाइक प्लेट्स प्रेजेंट हैं। और उसके बाद ये पोडिया सराउंड द माउथ, इस स्ट्रक्चर ने सराउंड किया हुआ है उसके माउथ के, जिसके थ्रू ये मूव करती हैं। उसके बाद टेस्ट और इसका ये स्केलेटन है। और यहाँ पे ये इनर साइड पे देखा जाए टॉप साइड पे तो ये इनके जेनिटल प्लेट्स प्रेजेंट हैं, 1-2 ये प्लेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनका। और इसके बाद गोनोपोर्स, ये इनके रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कैरी आउट करता है। उसके बाद ये एनस है।
और उसके बाद फोर्थ क्लास को देखो तो होलोथ्रीडिया की बात करें, इसमें सी कोकम्बर्स आते हैं और इनकी जो बॉडी होती है उसका सिमिलर होती है किससे, सी अर्चन से, और बट इनकी बॉडी स्ट्रेच हुई होती है माउथ और एनस वाली साइड पे, ये इस साइड से ये देखें इनका स्ट्रक्चर है। और ये इंटरनली इसको देखा जाए तो ये इसकी एनस प्रेजेंट है, ये इसकी ट्यूब फिट्स प्रेजेंट हैं जिसके थ्रू इसके आल प्रोसेस होते हैं, इनकी लेदरी बॉडी होती है और इनकी माउथ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखें माउथ वाला पार्ट बिल्कुल सराउंडेड हुआ है टेंटिकल, ये ब्रांचेस ऑफ द टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर है, क्लियर कलर फॉर्म में ये भी।